प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना योद्धाओं को समर्थन और सम्मान देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में कटिहार में एक पति पत्नी ने अनोखी मुहिम शुरू की है, जिसके चलते वो कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। दरअसल निजी कंपनी में काम करने वाले दीपक इस घड़ी में लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन बेहद आर्थिक संपन्न नहीं हो पाने के चलते वो मदद नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उन्होंने कोरोना योद्धाओं को हर दिन चाय पिलाने की मुहिम शुरू की, जिसमें उनकी पत्नी नीलू ने भी सहयोग दिया। अब नीलू हर दिन 200 से ज्यादा कप चाय बनाती हैं और दीपक अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के चौक चौराहे पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट और अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को घर की बनी चाय पिलाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये हम लोग जो है पहले सूखा राशन बांटा करते थे, तो एकाएक 9 तारीख को जो है हम लोग एक मन में आया कि जो हम लोग तो ग्रामीण स्तर पर सेवा करने वाले कई संगठन हो गए, तो देखे कि जो हमारे कोरोना योद्धा है जो हमारे देश और समाज हित के लिए खड़े हैं चौक चौराहे पे, तो एक मन में आया कि उनको चाय पिलाया जाए। हमारे सहयोगी धनंजय जी हैं, अरविंद साहब भैया हैं, इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग प्लान किए कि हम लोग प्रत्येक चौक पे जाके जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं या पुलिस कर्मी हैं या एटीएम गार्ड पे जो कर्मी काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे जो काम कर रहे हैं, जिनको चाय से वंचित हैं, वैसे लोगों को चाय पिलाने का हम लोग मुहिम अपनाएं। चाय बनता कहाँ है? चाय हमारे घर में बनता है, हमारी जो वाइफ है, पत्नी है जो नीलू कुमारी, वो बनाती है। उनको हम आग्रह किए कि इस तरह काम हम करना चाह रहे हैं, तो वो भी बोली ठीक है, हमको भी खुशी मिलेगा, चलो हम देश हित के लिए घर बैठे कुछ सेवा कर पा रहे हैं, तो उसका सहयोग मिला हमको, तो हमको काफ़ी उत्साह हुआ। ये जो है कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, इसमें जो है हमारे पति सोचे कि चाय पिलाना चाहते हैं, तो हम मतलब कि हेल्प कि हम सोचे कि मेरे तरह कोई भी हेल्प मिले तो हम करना चाहेंगे। वहीं ड्यूटी में तैनात कोरोना योद्धा भी दीपक के इस सहयोग की सराहना करते हुए कहते हैं कि चौक चौराहे पर सभी दुकानें बंद हैं, ऐसे में दीपक द्वारा चाय पिलाने से मनोबल बढ़ता है। बहुत अच्छा सुखद अनुभव होता है कि मैंने इतना कठिन परिस्थिति में भी ये लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, जो मैंने कोरोना से जो ड्यूटी में हैं उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। लगता है मतलब आप लोग बाहर हैं तो घर के लोग हाँ 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 बहुत बहुत अच्छा अनुभव। ये वो 6-7 दिन से एकदम कंटिन्यूस 2-2 टाइम पिला देते हैं। तो निश्चित तौर पर दीपक और उनकी पत्नी नीलू की सेवा बेहद साधारण दिखती है, लेकिन इस सेवा के पीछे उनका मकसद साफ है, सिर्फ कोरोना योद्धा का मनोबल बढ़ाना और सम्मान देना। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।